सर संसद में गतिरोध चल रहा है लगातार, कारण क्या है इस गतिरोध का? क्यों नहीं ठीक से कामकाज संसद का चल पा रहा है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, संसद में जो विपक्षी सांसदों द्वारा कार्य में गतिरोध किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। संसद एक पवित्र स्थान है, मंदिर है, जहाँ पे सारे मसलों पर आप चर्चा कर सकते हैं और ये एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान में कुछ ऐसा हो गया है कि विपक्ष के लोग चर्चा नहीं करना चाहते, केवल गतिरोध करते हैं। महंगाई जैसे मुद्दे पे माननीय अध्यक्ष जी ने संसद में चर्चा का समय दिया, उस पे भी इन्होंने बात नहीं करी। चूँकि आज जो महंगाई है वो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सिस्टम है उसकी देन है, तो वो केवल उनकी जो एक इच्छा रहती है कि बस मुद्दा उठाओ, चर्चा नहीं करो, और चर्चा आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। हर मुद्दे पे विपक्ष इस समय यही कर रहा है। मैं माननीय जो हमारे सांसद बंधु हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वो माननीय अध्यक्ष जी से वार्ता करें, सरकार से वार्ता करें, सरकार उनसे वार्ता करके गतिरोध दूर करना चाहती है। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? कैसे पूरी तरह से समाप्त होगा? आपकी पार्टी की सरकार ने तीनों कृषि कानून, जिन पर किसानों के एक वर्ग को आपत्ति थी, वापस ले लिया। उसके बाद गतिरोध नहीं टूटा। उनकी मांग है कि जो मुकदमे लगाए गए थे वो गलत थे, उनको वापस लिया जाए, तब हम अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं मनोज भैया आपके माध्यम से किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सरकार की इंटेंशन समझें। माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए आज तक जो काम किए हैं वो सर्वाधिक हैं। चाहे किसान सम्मान निधि का प्रश्न हो, चाहे किसान फसल बीमा योजना का हो, चाहे उनको कम राशि पे, कम उस पर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट दिलाने की मुद्रा दिलाने की बात हो, उनकी सॉयल टेस्टिंग के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड दिलाने की बात हो, यूरिया कोटिंग करा के यूरिया की उपलब्धि उनके लिए ज़्यादा कराई। अभी कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में एक खाद के कारखाने का नया शुभारंभ किया, उसका उद्घाटन किया। ये सारी चीज़ें हैं जो किसान भाइयों को समझनी चाहिए। वर्तमान में तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने के बाद किसी भी प्रकार का आंदोलन का औचित्य नहीं है। आप देखिए, सरकार ने कितने धैर्य का परिचय दिया है कि इस पूरे आंदोलन में सरकार की तरफ से कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया, कोई टियर शेल नहीं चलाए गए, कोई गोलीबारी नहीं हुई। किसान भाइयों का जो सम्मान माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है वो किसी ने नहीं किया, और आज उनको सरकार ने फिर उनको न्योता भेजा है, और सरकार उनकी जो भी मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, उन पे खुले दिल से बात करने के लिए तैयार है, उनका समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कुछ राजनीतिक दल उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में आके ये जो आंदोलन है ये समाप्त नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों को चाहिए कि वो विपक्ष की राजनीति से उठ के किसानों के मुद्दे पे बात करें, सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं।